किसी भी स्थान की पहचान उसमें रहने वाले लोगों से तो होती ही है, परंतु आपस का मेल मिलाप, खान पीन, रहन सहन, सुनने सुनाने का अंदाज उस जगह को अविस्मरणीय बना देता है। ऐसा ही एक अंदाज तबला वादन व ठुमरी गायन फर्रुखाबाद को विशेष बनाता है। वाजगत व ठुमरी तबला वादन व गायन में फर्रुखाबाद की धरोहर है। नवाब फर्रुखाबाद के दरबारी अफसर राम सहाय ने ब्रिटिश अधिकारी शेफर्ड व रोश को एक किस्सा सुनाया था जो बड़ा ही रोचक था। नवाब फर्रुखाबाद के दरबार में संगीत के उच्च कोटि के कार्यक्रम होते रहते थे। इसी दरबारी संगीत से फर्रुखाबादी तबला घराने के सफर की शुरुआत हुई। फर्रुखाबाद के वाज घराने के उस्ताद थे हाजी विलायत अली खान। उस्ताद शहर के चीनी ग्राम निवासी थे। उनके चाचा सालार खान ने लखनऊ के मियां बख्शू खान साहब को गत संगत के लिए चैलेंज किया। मियां बख्शू ने अपने शिष्य विलायत अली खान से चैलेंज स्वीकार करने का आग्रह किया, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। महफिल समाप्ति के तुरंत बाद सलारी खान व हाजी विलायत अली खान को तबला संगत के लिए आमंत्रित किया गया। उस समय संगीत के सभी महान उस्ताद गैलरी में उपस्थित थे। दोनों में संगत शुरू हुई। श्रोतागण शांत भाव में मंत्रमुग्ध मग्न 3 दिन तक संगत का मजा लेते रहे। दोनों एक दूसरे को मात देने के लिए अपने बोलों और जोड़ों के भंडार का सटीक प्रदर्शन कर रहे थे। सलारी व उस्ताद हाजी विलायत अली खान तकनीकी रूप से निपुण लखनऊ के उस्ताद मियां बख्शू खान साहेब के शागिर्द थे। दोनों बख्शू खान साहेब के दिल में बसते थे। जारी संगत में अचानक विलायत खान ने सालार खान को अपनी कंपोजिशन से चौंका दिया, जो सालार ने इसके पहले कभी नहीं सुनी थी। सालार खान स्तब्ध रह गया। समय लेने के बहाने उसने तबले के गट्टे बदलने शुरू कर दिए। बद्दी टाइट कर गट्टे बांधना शुरू कर दिया। इस स्ट्रेटेजिक टाइम ओवर में सालार ने परफेक्ट जोड़ा कंपोज कर लिया और बस तबले पर उस्ताद के गट का जवाब देना शुरू कर दिया। सारी महफिल मंत्र मुगध तालियों की बौछार और वाह वाह सालार खानन के नारों से गूंज उठी। सालार उस्ताद विलायत खान से कम नहीं था, लेकिन क्योंकि विलायत खान 7 बार का मक्का भ्रमणकारी था और हर भ्रमण के बाद उसमें आश्चर्यजनक खुदाई बदलाव देखा गया था, जिसका बखूबी प्रदर्शन इस शो में दिख रहा था। संगत का दौर 15 दिन चला। सालारी खान विलायत खान की गतों का जवाबी जोड़ संगत नहीं कर पा रहा था। अंततः विलायत खान को विजयी घोषित किया गया। उस्ताद हाजी विलायत अली खान को तबले का सिरमौर उसके जन्म स्थान के नाम पर फर्रुखाबाद का तबला घराना कहा गया। उस्ताद बख्शू खान ने इनाम में अपनी 2 पुत्रियों का विवाह हाजी विलायत अली खान व सलारी खान से करवा दिया। वह जहेज में दोनों को तबला कंपोजिशन प्रदान किए। लोकल कलाकारों अधारा लुप्त प्रायः होते तबला वादन को जिंदा करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकारी स्तर पर इस घराने को आगे बढ़ाने के लिए फर्रुखाबाद में एक संस्थान की अत्यंत आवश्यकता है, ताकि फर्रुखाबाद घराने की हमारी धरोहर वाजवगत भविष्य में सुरक्षित रहे। अगर पोस्ट पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल बटन अवश्य दबा दें।